नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर सेना का ताबड़तोड़ सफाया, एक और आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी, ऑपरेशन क्लीन लगभग सक्सेस। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वाइस एडमिरल हरि कुमार बने नौसेना के चीफ। जी हां, बड़ी खबर, आज पदभार संभाला है, समुद्र में चाइना की बढ़ेगी मुश्किलें। तीसरी बड़ी अपडेट, यूएनएससी में सीरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर ने जताया विरोध, कहा मानवाधिकारों का उल्लंघन ठीक नहीं। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, 27 कंपनियों को, जी हां, चाइना के 27 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्टेड, एक और स्ट्राइक किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। रसिया की भी कुछ कंपनीज को ब्लैकलिस्टेड की गई हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, चाइना ने कहा बड़ा ऐलान, LAC पे और सैनिकों की तैनाती करो, और ख़ास करके अग्रिम मोर्चे पर तैनाती करो, जल्द ही 300,000 और सैनिकों की भर्ती की जाएगी। चाइना सी जिनपिंग कर रहा है युद्ध की तैयारी। तो एक एक करके खबरें आपको दोस्तों दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ बताएंगे विस्तार से, जहाँ पे संसद में 12 सांसदों के निलंबन के बाद सभापति ने नहीं लिया वापस, विपक्ष को लगा करारा झटका, कानून वापसी के बाद रो रहा विपक्ष। तो दोस्तों एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया भर में जो COVID-19 का फैल रहा है वो आंकड़े भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हम नियुक्ति एडमिरल हरि कुमार ने संभाला नौसेना प्रमुख का पदभार, मां के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जी हां, दरअसल दोस्तों वायुसेना को अब और मजबूत बनाया जाएगा, एडमिरल आर हरि कुमार ने मंगलवार को नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। इस पदभार से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद हरि कुमार काफ़ी भावुक दिखे, उन्होंने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गले से लिपट गए। इस दौरान उनकी मां की भावुक भी दिखाई दी और उन्होंने एडमिरल KB सिंह की जगह ली है। 30 महीने के कार्यकाल के बाद KB सिंह सेवानिवृत्त हुए और एडमिरल आर हरि कुमार के एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के हिस्से के तौर पर बने थिएटर कमांड स्ट्रक्चर की मूल स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि नौसेना प्रमुख के रूप में कारभार ग्रहण करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। भारत की समुद्री सीमा की चुनौतियाँ और हितों के आगे भी काम होता रहेगा। आपको बता दें कि लगभग 39 साल के अपने शानदार कैरियर के दौरान एडमिरल हरि कुमार भारतीय नौसेना के विभिन्न कमांड में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से वो समुद्री मोर्चे पे सबसे फ्रंट फुट पे हमेशा खेले हैं। यही कारण है कि अब इनको नौसेना का चीफ बना दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही नहीं चाइना को समुद्र में घेरने के लिए बड़ा झटका होगा। एक और अपडेट लेते हैं, तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, पाकिस्तान चाइना और रशिया के 27 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्टेड। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, आर्मी मिलिट्री से थे इनके संबंध। दोस्तों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेना से संबंध रखने वाली 27 विदेशी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। बैन की गई कंपनियों में ज़्यादातर 12 चीनी कंपनी है, इसके अलावा पाकिस्तान, जापान, रशिया और सिंगापुर की फर्म्स की भी लिस्ट है। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भी स्ट्राइक हुई है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी सरकार ने कहा था कि उन विदेशी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो गुपचुप तरीके से उन देशों की सेनाओं की मदद करती हैं। इसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले हफ्ते कहा था कि ऐसी विदेशी कंपनियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुँचा सकती हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इन कंपनियों की वजह से प्रभावित हो रही है, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी भी प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर 27 कंपनियों को मिलिट्री एंड यूजर्स लिस्ट में रखा गया है। चाइना की 12 कंपनियां सबसे ज़्यादा और पाकिस्तान की 4 कंपनियां, तो ये पाकिस्तान और चाइना को करारा झटका लगा है। एक और अपडेट, सीरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर भारत ने जताई चिंता, कहा संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की जरूरत, UNSC में दहाड़ा भारत। दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और हिंसा पर भारत ने फिर से चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान सोमवार को भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा है कि भारत ने हमेशा सीरिया में हिंसा और वहां पर मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपनी चिंता जताई हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यह बैठक सीरिया की जवाबदेही तय करने के लिए बुलाई गई थी। इनमें सीरिया में दी जा रही सजाओं और वहां पर हो रहे अपराधों पर चिंता व्यक्त की गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इसे चिंता का विषय बताया गया है। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में एस्टोनिया, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, जॉर्जिया, नीदरलैंड व अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो दोस्तों भारत ने इस पर एक तरीके से करारा प्रहार करी
कड़ी नाराजगी जताई। अगली अपडेट रिलीजी पे 3 लाख और सैनिकों की करेगा भर्ती चाइना। जी आपको बता दें शी जिनपिंग ने दिए आदेश, कहा कौशल और प्रशिक्षण के साथ नए सेना की करो भर्ती। दोस्तों क्या चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है? जंग के दौरान अग्रिम मोर्चे पर तैनाती के लिए चीन जल्द ही 3 लाख और सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध में बढ़त बनाने के लिए सेना में कई भर्ती का निर्देश दे दिए हैं। नई भर्ती की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख और सैनिकों की आवश्यकता भी पड़ेगी। दरअसल चीनी सेनाओं के मुख्य कमांडर भी जिनपिंग ने सैन्य प्रतिभाओं के लिए हुए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रतिभाओं के पास सशस्त्र चीनी सेना में उच्च गुणवत्ता के विकास की कुंजी है। साथ ही सैन्य प्रतिस्पर्धा में विजयी होने के लिए और भावी युद्धों में बढ़त के लिए सैनिकों का प्रतिभावना होना जरूरी है। सी ने कहा है कि नई प्रतिभाओं को समर्थन दिए जाने की जरूरत है ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वर्ष 2027 तक के लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सके। $209 अरब के सालाना सैन्य बजट के साथ चीनी सेना को अत्याधुनिक बनाने की कवायद जारी है। संगठनात्मक सुधारों के साथ ही उन्हें हाइपरसोनिक हथियारों समेत अन्य अस्त्र शस्त्रों से लैस किया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और चाइना जो है वो 3 लाख के करीब सैनिकों की ओर भर्ती करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा LAC पे लगाए जाने का उसने आदेश दिया। उसने साफ साफ उसका कहना है कि LAC पे सैनिकों की तैनाती बढ़ाओ। हम चलते हैं एक और अपडेट, चाइना और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की हो ड्रैगन से वार्ता की पहल कर सकता है बाइडेन प्रशासन। दोस्तों दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच ना तो कभी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली के मुद्दे पर बात हुई और ना ही कभी विवाद की स्थिति में अमेरिकी उपग्रहों को निष्क्रिय करने संबंधी चीनी प्रयोगों पर चर्चा। चीन ने हमेशा ही परमाणु निस्त्रीकरण संबंधी अमेरिकी विचारों को खारिज किया है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अमेरिका और रूस के पास चीन से 5 गुना ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन स्थितियों में बदलाव लाना चाहते हैं और परमाणु हथियारों को लेकर भी बाइडेन प्रशासन जो है वो चीन से बातचीत करना चाहते हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों जासूसी के मामले में पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे चाइना और रशिया, ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल मुखिया रिचर्ड मूर ने जासूसी की दुनिया में हो रहे बदलाव पर गंभीर चेतावनी दी है। दरअसल रिचर्ड मूर ने कहा है कि चीन और रूस ने जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए महारत हासिल कर रहा है उससे एक न एक दिन वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया भर में वो कब्जा करेगा। ये चीज़ें कहा गए हैं 10 वर्षों में भारत भू राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव कर सकते हैं। और आपको बता दें कि मूर 6 का चीफ बनने के बाद मंगलवार को ये बातें कही हैं। लगातार जो है वो टकराहट के बीच ब्रिटेन की ये खुफिया रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है क्योंकि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पूरी दुनिया की जासूसी कराने में लगा है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों अब ओमिक्रॉन का खतरा और तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। RT-PCR और रेड टेस्ट से भी चल जाता है ओमिक्रॉन वेरियंट से हुए संक्रमण का पता, सरकारी सूत्रों का दावा। देश भर में हाई अलर्ट, बेंगलुरु ग्रामीण के स्वास्थ्य अफसर बोले हमने केरल और महाराष्ट्र बिना RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन रिपोर्ट के बेंगलुरु आ रहे यात्रियों के मुद्दे की चर्चा की है। दरअसल RT-PCR और टेस्ट रेट टेस्ट की पकड़ में आ जाता है ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच एक राहत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल RT-PCR और रेट टेस्ट के जरिए इन नए वेरिएंट की जांच की जा सकती है। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। भारत के 47% वयस्क आबादी ने लगाए दोनों डोज, 47% ने दोनों डोज लगवा दिए हैं। भारत में उड़ानों को तुरंत बंद करने के आदेश जो है केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री दें। और साउथ अफ्रीका, आपको बता दें साउथ अफ्रीका को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, उन पर भी पूरी निगरानी की जा रही है। एक और अपडेट लेते हैं, अफगानिस्तान को गेहूं और दवाएं भेजने में पाकिस्तान ने लगाई शर्त, कहा बाघा बॉर्डर के बाद से जो है वो हमारी सेनाएं होंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारत से अफगानिस्तान को मदद के तौर पर 5 लाख क्विंटल गेहूं दिए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारत चाहता है कि उसके द्वारा भेजी जाने वाली सामग्री निर्बाध रूप से अफगानिस्तान पहुंचे और वहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अब आमजनों में उनका वितरण न करे। और पाकिस्तान यह भी प्रयास कर रहा है कि भारतीय सहायता सामग्री बाघा सीमा पर ही संयुक्त राष्ट्र के सहायता दल को मिल जाए और वहाँ से वो ले जाकर गेहूँ और दवाएँ अफगानिस्तान के लोगों को वितरित कर दें। इससे अफगानिस्तान में
भारत को लेकर सकारात्मक माहौल नहीं बन पाएगा। उल्लेखनीय है कि जमीन से घिरे अफगानिस्तान के लिए भारत से कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है। सड़क के जरिए अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, कि भारत पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए अटारी बाघा बॉर्डर सीमा मार्ग से होकर जाने वाला पाकिस्तान की सीमा से लेकर अफगानिस्तान तक पाकिस्तानी ट्रकों में जाएगा। जितने भी सामान है वो पाकिस्तानी ट्रक में जाएंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही, ये चीज़ें जो हैं, कहना है पाकिस्तान का, तो नया अड़ंगा पाकिस्तान ने लगा दिया है। एक और अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तक 577 बेटियों को सेना में मिला स्थायी कमीशन। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, साल 2020 में भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तक देश की 577 बेटियां सेना में बतौर अधिकारी स्थायी कमीशन प्राप्त कर चुकी हैं। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने संसद में दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महिलाओं को भी सेना में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में 25 नवंबर 2021 तक 63 पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है। आपको बता दें कि महिला अधिकारियों का स्थायी कमीशन महिलाओं के लिए सेना में बड़ी भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और कमांड पदों पर भी वो काम कर सकेंगी। तो ये भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये हमने आपको बताया। इस बीच अगली अपडेट, यूपी चुनाव से पहले सपा कांग्रेस बीएसपी को तगड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए 5 बड़े नेता जी। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को लेकर बड़ा झटका दिया है। इन तीनों पार्टियों के 4 बड़े नेता जो है वो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को पूर्व मंत्री जयनारायण तिवारी, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा, बीएसपी के मनोज दिवाकर, पूर्व विधायक राम शिरोमण शुक्ला, रिटायर्ड आईएएस भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इनकी सदस्यता दिलाई हुई है और में कई सपाई भी शामिल हैं। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यहाँ पे यूके के ब्रिटेन से बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अफ्रीकी देशों के लिए भारत ने बढ़ाए मदद के हाथ, फैसले के मुरीद हुए पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन। दरअसल दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व स्टार क्रिकेटर केविन पीटरसन ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों की मदद की पेशकश करने पर भारत की तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि भारत ने एक बार फिर से सेवा करने का साहस दिखाया है। सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है और मेड इन इंडिया वैक्सीन और दवाइयों की सप्लाई करने को तैयार है। भारत के इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर पीटरसन ने सराहा और ट्वीट किया है, भारत ने एक बार फिर पूर्व सेवा करने का वो साहस दिखाया, कई सारे नेक लोगों वाला सबसे शानदार देश, धन्यवाद। उन्होंने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार अफ्रीकी देशों में मेड इन इंडिया वैक्सीन, जरूरी दवाइयां, टेस्ट किट, पीपी किट, वेंटिलेटर सहित दूसरे मेडिकल सप्लाई को पूरी तरीके से करने को तैयार है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ले लेते हैं। दोस्तों दरअसल बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को धमकी देने का पाकिस्तानी लिंक पूरा सामने आ गया है। जी हाँ, दरअसल पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद और भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने डालने की धमकी संबंधी जांच में कारगर बिंदु हाथ लगे हैं। कुछ मामले की पड़ताल में जुड़ी दिल्ली पुलिस की टीमों की नज़रें सोमवार देर रात कराची में रहने वाले वहीं के एक छात्र पर जाकर ठहर गई है। दरअसल इस मामले में तफ्तीश को अंजाम तक पहुँचाने के लिए जाँच एजेंसी विदेश मंत्रालय के जरिए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क सामने में जुटी है, जिनमें आरोपी को और करीबी से जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इस मामले की तफ्तीश दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की FIFFO ब्रांच कर रही है, जिसके प्रभावी DCP KPS मल्होत्रा हैं और स्पेशल सेल के उच्च पदस्थ सूत्र भी ऊपरी उल्लिखित तमाम बिंदुओं की पुष्टि करते हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान का लिंक इसमें साफ साफ देखा जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर मित्रों, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना।